हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा कि अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए और इक्वेशन दे दी गई है और उसको हमें क्या करना है, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात की जाए। टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन बाय यूजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मैथड, मतलब हम लोग को क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का यूज़ करना है और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड होता है किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने का। तो तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा, कि हमने यहाँ पे सारी कंडीशंस ले रखी हैं कि अगर कोई आपको फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक फंक्शन गिवन है और इसी के नंबर ऑफ सोल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करनी है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में अगर बात करनी है तो आपके सिवा आपको उसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन से ही आपको पता चलता है कि फंक्शन आइदर इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो अगर मान लीजिए फंक्शन आपका एफ डैश एक्स है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, ध्यान रखिएगा अगर पॉजिटिव आती है तो, अदरवाइज निगेटिव आ जाए। डिफ्रेंशिएशन के बाद या तो पॉजिटिव आ जाए या तो निगेटिव आ जाए, तो हम इसको बोल देते हैं आइदर इंक्रीज करेगा अदरवाइज डिक्रीज करेगा। मतलब आपको पता है बेटा, ग्रेटर जीरो अगर होता है फंक्शन तो हम क्या बोलते हैं उसे, इंक्रीजिंग, और लेस देन जीरो होगा तो डिक्रीजिंग बोल देंगे। और डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल है, डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू रियल है, तो ये तो कन्फर्म हो जाता है कि जो भी कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्योंकि अगर हम ग्राफ का नेचर देखें तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिए, और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो आइदर इस टाइप का मूव करेगा आपका, ये मूवमेंट है, अदरवाइज डिक्रीज है तो आपका मूवमेंट इस टाइप का होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी, आइदर इंक्रीज है या डिक्रीज है। अगर इंक्रीज है तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में उसने एक्स एक्सिस को कट करना ही है, क्योंकि वो भाई कहाँ जाएगा, इंक्रीज कर रहा है तो लगातार इंक्रीज करता हुआ जाएगा, इंक्रीज करता हुआ जाएगा तो कट करेगा ही करेगा। बात समझ में आ रही, क्या होगा, कट करता ही जाएगा। ठीक है, अब बात आ गई कि अगर डिक्रीज है तो भी वो क्या करेगा, कट करेगा, और कट करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एक रूट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक रूट मिल जाएगा। तो ये केस होता फॉर वन रूट एग्जैक्टली, आपको एक रूट तो मिलेगा ही मिलेगा, एग्जैक्टली वन रूट मिलेगा। ठीक है, मतलब ये ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो ये क्या करेगा, ग्राफ को कट, एक्स को कट करेगा, और कट करेगा तो रूट मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर डोमेन जो होना चाहिए वो रियल होना चाहिए। डोमेन क्या होता है यहाँ पर, डोमेन रियल है, और डोमेन अगर रियल नहीं है तो क्या होगा। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी बात होती है। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है यहाँ पर, देखिएगा कि भाई अगर डोमेन रियल नहीं है तो अगर सपोज कीजिए कि आपका ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के बारे में केवल बात की गई है कि भाई जीरो से लेकर के इनफाइनाइट है, एक्स की वैल्यू क्या है, हम कर्व वन में बात करें, एक्स अगर जीरो से इनफाइनाइट है तो एफ जीरो पे बात करेंगे तो हम यहाँ होंगे, और एफ इनफाइनाइट की बात की जाएगी तो आप यहाँ कहीं होंगे। तो ये जो ग्राफ है, ये हिस्सा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट एक्स को कट नहीं करेगा, और जब कट नहीं करेगा तो सोल्यूशंस होंगे ही नहीं। ठीक है ना, सोल्यूशंस होंगे ही नहीं। और इसी टाइप से अगर हम बात करें इस ग्राफ की, तो इस ग्राफ की बात करें तो अगर डोमेन माइनस इन्फाइनाइट से जीरो तक के बारे में बात हो रही है, माइनस इन्फाइनाइट से जीरो, तो भी क्या होगा, ये एक्स को कट नहीं करेगा और सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे सोल्यूशन कब है, जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इन्फिनिटी है। यहाँ पे सोल्यूशन कब है, जब माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में है। कोई भी पॉइंट दे दिया जाए, अगर मान लीजिए आपके पास लिमिट ये दे दी जाए और इसके बीच की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन बात की जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर हिस्सा है। तो सारी कहानी डिपेंड कर जाती है डोमेन के ऊपर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन दिया गया, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू कॉज एक्स इज इक्वल टू जीरो है, इज इक्वल टू जीरो,
इन 0 to 2 pi, ये फंक्शन दिया गया और इसके सोल्यूशंस के बारे में बात करी गई। तो चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, पहली बात तो एज्यूम कर लेते, लेट एफ एफ एक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 cos x। हम चेंज चेक करेंगे इसके नेचर के बारे में, तो एफ डैश ऑफ एक्स करना पड़ेगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स कर दीजिए, वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस 2 sin x। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक बन रही है और यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ रही है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आ रही है। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू जो है वो 2 साइन एक्स है, 2 साइन एक्स की वैल्यू माइनस 2 से प्लस 2 के बीच में होगी, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है ना, हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है कि वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो ये ग्राफ जो है कि अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, मतलब अपवर्ड ग्राफ है। अपवर्ड क्यों है, बिकॉज यहाँ पे 3 है और 3 इज अ ग्रेटर देन 0, तो क्वाड्रेटिक के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो हम इसके अगर मिनिमम के बारे में बात करें, ध्यान रखिएगा इसके बारे में केवल बात हो रही है इस क्वाड्रेटिक के बारे में। इस क्वाड्रेटिक का वाई मिनिमम अगर देखा जाए तो मिनिमम का फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई फोर ए, तो माइनस डी की वैल्यू देखिए, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस का 6 प्लस का 16 माइनस 4, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है, डिवाइड बाई 4 इंटू 3 लिख दिया। अब इसे कैलकुलेट किया जाए तो माइनस ये हो गया 60 माइनस का दिस वन, तो ये हो जाएगा 44 माइनस का, तो प्लस का 44 डिवाइड बाई 12 आ गया, मतलब 11/3 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये 11/3 है तो ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कि 2 से बड़ी है। ठीक है ना, अगर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू का कम से कम जो वैल्यू है वो 11/2 है, मतलब इस जो एफ डैश एक्स के बारे में बात करें, एफ डैश एक्स के बारे में, तो यहाँ पे जो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिया हुआ है माइनस 2 साइन एक्स है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो कम से कम आपकी जाएगी तो 11/3 से जाएगी और अप टू इन्फिनिटी जाएगी, और माइनस का अगर आप देखें तो माइनस का 2.2 है। तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, होगी ना, क्योंकि कम से कम माइनस 2 होगा, और मैक्सिमम अगर 2 भी माइनस करेंगे तो मैक्सिमम 2 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका एफ डैश एक्स जो है वो ऑलवेज भी ग्रेटर 0 है, ग्रेटर 0 है तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल, देयर आर वन रूट पॉसिबल, बट हमें डोमेन दी गई है, डोमेन क्या दी गई है, एक्स के जीरो से 2 pi। अब एक्स के जीरो से 2 pi फॉर, बट एक्स की जो वैल्यू है 0 to 2 pi, अब हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारा ये जो ग्राफ है इस डोमेन में कट करता है या नहीं कट करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है कि हमारा ग्राफ का जो नेचर है वो तो समझ में आ गया कि भाई आपका ग्राफ का नेचर जो है वो कुछ ऐसा होगा कि वो इस टाइप से ज़्यादा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो इस टाइप से कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कट भी करता होगा। लेकिन अब एफ जीरो को चेक कर लीजिए जरा बेटा, एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, एफ जीरो चेक करते हैं तो जीरो की पुट किया तो 0 0 0 और 2 का 0 मतलब 2 आ जाएगा, और एफ 2 पाई को चेक कर देते हैं तो 2 पाई को अगर चेक किया तो यहाँ पे 2 पाई का क्यूब हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स 2 पाई स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू 2 से तो बड़ी है क्योंकि इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये जो ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ कैसा जा रहा है भाई, एफ जीरो पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और एफ 2 पाई की बात अगर करें तो हमारा जो ग्राफ ज़्यादा कुछ ऊपर की ओर ज़्यादा, इस टाइप से इधर ज़्यादा है ना, इस टाइप से जाएगा, बात समझ में नहीं, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब बढ़ता हुआ चला गया तो इस ग्राफ ने 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में x को नहीं कट किया,
एक्स एक्सिस को कट नहीं किया। अब आपका कट ही नहीं करेगा तो नो कट मतलब नो सोल्यूशन, तो इसका कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेम मैनर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चलिए, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3 10x प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 इन 0 to π/4। ठीक, तो जो हमारे पास फंक्शन है उसके बारे में बात कर लीजिए। पहली बात तो फंक्शन हमारा जो दिया गया fx जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं 3 10x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2, ये हमने कंप्लीट लिख दिया है। अब इसके नेचर को चेक करना है तो आपके पास सिंपल सा तरीका है कि एफ डैश एक्स चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 10x का 3 sec² x हो गया प्लस 3 x² हो गया। हो गया भाई, अब sec स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर 0 होगा, एक्स स्क्वायर है ग्रेटर 0 होगा। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया बेटा, इसके लिए ग्रेटर 0 होगी, मतलब फंक्शन तो डायरेक्ट आपको दिख गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग है तो नेचर कैसा भी रहा हो ग्राफ का जो कंडीशन आएगा वो वैल्यू इंक्रीज करता हुआ दिखेगा कुछ इस टाइप का। लेकिन सारी कहानी डिपेंड किस पे कर जाती है, डोमेन पर। तो हम डोमेन के बारे में बात करते हैं, एफ जीरो चेक कर लिया जाए बेटा, एफ जीरो पर वैल्यू क्या है, 0 आएगी, ये भी 0 हो जाएगा और ये वैल्यू -2 आ जाएगी। एफ π/4 पर चेक कर लेते हैं, तो π/4 पर चेक किया तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, ये π/4 का क्यूब हो गया और -2, मतलब ये वैल्यू कैसे आ गई बेटा, पॉजिटिव आ गई। ठीक है ना, तो अगर हम इस ग्राफ को देखें कि भाई इस ग्राफ को कैसे टैकल किया जाए, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एफ जीरो की वैल्यू -2 है तो -2 हम यहाँ कहीं होंगे 0 and -2, और जब π/4 की बात होगी तो π/4 के केस में पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव आने के लिए आपको इधर से यहाँ आना पड़ेगा, मतलब आपको एक्स को कट करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने एक्स को कट किया There are one solution exist। ठीक है, तो 0 से π/4 के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, एक solution मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे ही कुछ questions और देखते हैं, और अगर आपको ये questions अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो please चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस कॉज एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू 0 इन एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। ओके, तो फंक्शन जो दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस कॉज एक्स प्लस 10x। चलिए, तो इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो पहला काम तो डिफ्रेंशिएशन ही होता है, तो 3x² प्लस का 2 हो गया, -sin x हो गया और प्लस का sec² x हो गया। अब अगर देखा जाए तो 3x² एंड sec² x ऑलवेज बी ग्रेटर 0 होंगे ना भाई, और 2 sin x की जो वैल्यू होगी 2 - sin x, ये वैल्यू भी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस टोटल का कंक्लूजन जो दिखता है वो दिखता ये है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर 0 होगी, इसका मतलब है कि फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग का होगा। फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग का होगा। अब इंक्रीजिंग के नेचर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आपका जो ग्राफ का नेचर होगा वो आपका इस टाइप से मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, लेकिन सारी बातें किस पे डिपेंड कर जाती हैं, डोमेन पर। तो डोमेन अगर देखा जाए तो एफ ऑफ -π/2 पे चेक करते हैं, -π/2 पे चेक किया तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर 10x दिया हुआ है। अब 10x का मतलब ये हो गया कि जैसे ही आपने -π/2 किया तो वो -∞ को टेंस करेगा। ठीक है ना, और एफ ऑफ π/2 की बात की तो डायरेक्ट टेंस करेगा इन्फिनिटी के ऊपर, क्योंकि सब कुछ डिपेंड किस पर कर गया, 10x पर डिपेंड कर गया।
मतलब ग्राफ जो होगा वो माइनस इनफाइनाइट से मतलब माइनस पाई बाई टू पर कहाँ ज़्यादा होगा, माइनस इनफाइनाइट ज़्यादा होगा और प्लस पाई बाई टू पर वो प्लस इन्फिनिटी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एक्स को कट करेगा और जब एक्स को कट करेगा तो देयर वेयर वन सोल्यूशन, वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो एक सोल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप आई क्वेश्चन जस्ट समझ में आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसी टाइप का, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री होल क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस साइन एक्स। और यहाँ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को देखते एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई जहाँ पे फंक्शन जो है ये एक्स इज इक्वल टू नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, अभी माइनस थ्री पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कुछ तो प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक्स के तो माइनस थ्री पे तो काम नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री प्लस पर, और दूसरा काम करना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री माइनस पर। अब देखेंगे कि भाई कहानी क्या बन सकती है। माइनस थ्री प्लस की बात की जाए तो हम यहाँ पे बात जब करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा और वन अपॉन माइनस थ्री प्लस एच प्लस थ्री होल क्यूब हो जाएगा और माइनस का थ्री एक्स क्यूब हो जाएगी माइनस थ्री प्लस एच और साइन हो जाएगा माइनस थ्री प्लस एच। अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान से देखिए, तो थ्री से थ्री कट जाएगा, एच की वैल्यू जीरो है और जीरो पे ये इनफाइनाइट की ओर ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि सीधी सी बात कि टेंस हो रहा होगा इनफाइनाइट की ओर, ओके। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि एफ टेस इस एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो रही होगी, माइनस थ्री से माइनस है, तो जब हमने माइनस थ्री माइनस किया तो इसकी वैल्यू कहाँ टेंस कर रही होगी, इसकी वैल्यू टेंस कर रही होगी माइनस इनफाइनाइट की ओर, क्योंकि माइनस का एच आएगा और माइनस एच का क्यूब मतलब माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अब मुद्दा ये है कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन का नेचर कैसा है, एफ डेस एक्स कर लेते हैं। एफ डेस एक्स किया तो यहाँ पे आएगा माइनस का थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री पावर फोर माइनस थ्री और प्लस का कॉस एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा देखा जाए माइनस थ्री प्लस कॉस एक्स ऑलवेज भी निगेटिव होगा ही होगा, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू भी क्या है, माइनस साइन लगा हुआ तो निगेटिव होगा, इसका मतलब एफ डेस एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो है, मतलब फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है। फंक्शन ऑलवेज कैसा है, डिक्रीजिंग है, और फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई डिक्रीजिंग है और माइनस थ्री पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो ग्राफ कैसा हो सकता है, एक्स एंड वाई, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री हमने ड्रॉ कर दिया, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है ना। माइनस थ्री माइनस की अगर बात की गई थी तो माइनस थ्री माइनस पे क्या आया था, माइनस थ्री माइनस पे टेंस टू माइनस इन्फिनिटी आया था, तो हमारा ग्राफ का जो नेचर होगा माइनस थ्री माइनस पर वो यहाँ कहीं होगा इन्फाइनाइट की ओर, और माइनस थ्री प्लस की बात की थी माइनस थ्री प्लस पर, तो माइनस थ्री प्लस यहाँ है और ये क्या हो रहा है, ये इन्फाइनाइट है, तो माइनस थ्री प्लस पर हम कहाँ जा रहे हैं, इन्फाइनाइट। अब मुझे इन्फाइनाइट से डिक्रीज करना है ग्राफ को, तो ग्राफ को डिक्रीज किया तो कुछ इस टाइप से ही आएगा, ऑब्वियस सी बात ऐसा आना चाहिए। और माइनस थ्री के पहले अगर बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात ये भी कैसा है, डिक्रीजिंग ही है, ये कुछ इस टाइप से आ रहा होगा, ठीक है। अब मुझे पता नहीं कि यहाँ पे डोमेन से काम बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे बात जो डोमेन की हुई है वो डोमेन एक्चुअल में एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है। तो अगर रियल नंबर है तो अगर आप चेक करें तो ये इसे यहाँ से यहाँ तक अगर जाना ही है इनफाइनाइट तक, एक्स की ओर इनफाइनाइट की ओर जा रही है, तो जब आप इनफाइनाइट की ओर जा रहे होंगे तो
यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि अगर हम इन्फाइनाइट की ओर जा रहे होंगे तो ये वैल्यू जीरो हो रही होगी, और ये वैल्यू जीरो होगी लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहे हो तो माइनस इन्फिनिटी। मतलब ये जो नेचर है आपके ग्राफ का, ये जो ग्राफ का नेचर है वो कहाँ जा रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी जा रहा होगा। सिमिलरली हम बात करें कि भाई माइनस थ्री और इसके बारे में, कि अगर माइनस इन्फाइनाइट पर जा रहे होंगे तो माइनस इन्फाइनाइट पर क्या होगा, ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा होगा। तो ये ऑब्वियस सी बात, हम यहाँ से चलेंगे तो हम कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर की ओर जा रहे होंगे, और ऊपर जाएंगे तो हमारे पास एक पॉइंट ये मिल जाएगा, और ऐसे ही आपको एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास जो ये क्वेश्चन आएगा, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फंक्शन दिस हैज टू रियल सॉल्यूशन, तो इस क्वेश्चन की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।